हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट में। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, बेल आइकन में जरूर क्लिक कर दे ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको सबसे पहले टिन टिन की आवाज़ सुनाई दे दे। चलिए आज शुरू करते हैं, किस देश में क्या हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ। चलिए आइए देखते हैं किस देश में आखिर हुआ क्या क्या है। ये तो क्यूरियोसिटी है जो आप में झलकनी चाहिए, हर स्टूडेंट में झलकनी चाहिए। चलिए देखते हैं। राज्यसभा के ने अस्तित्व में आने के 76 वर्षों में पहली बार अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश हुआ है। यह समझौता किस देश के साथ है? तो यह समझौता जो है सो रवांडा के साथ हुआ है। किस देश के साथ हुआ है? रवांडा के साथ हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं, रवांडा का जो राजधानी क्या है तो लुगांडा। क्या है रवांडा की? तो रुगांडा। ठीक है दोस्तों, नेपाल का आपको पता ही होगा, जाम्बिया का आप लोग सर्च कीजिएगा, अंगोला, इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग सर्च कीजिए, नहीं तो मैं अगली बार की जितनी ही वीडियो आएगी मैं उसमें करेंसी और कैपिटल जरूर बताऊंगी। हाल ही में रिलीज ने बिजनेस फॉर्म एक्शन प्लान में कौन सी राज्य में बिजनेस रैंकिंग की शीर्ष रहे? तो यह आंध्र प्रदेश की बिजनेस रैंकिंग शीर्ष रही। जैसे कि इसकी बिजनेस काफ़ी अच्छी है और यह जो है सो अपने मतलब कि अपने शहर में काफ़ी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स लगा रहा है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि बिहार और यूपी के अलावा हर कोई जो चाहता है कि हम बिजनेस ही करें, कोई जल्दी जॉब में नहीं जाना चाहता, सब चाहता है मैं अपना मालिक खुद बनूँ, तो उसी का ये परिणाम है। वैसे भी साउथ इंडियन वगैरह उन लोगों में ये सब चीज़ देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट वाला। और दोस्तों आप मुझे बताइए कि बिजनेस एक्शन रिफॉर्म्स प्लान जो को पेश कौन करता है? तो कैलिफोर्निया की जो यूनिवर्सिटी उसके अनुसार ये पेश हुई जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए किसे नामित किया है? तो ब्रेट कावानोगा को नामित किया है। किसको नामित किया है? ब्रेट कावानोगा को। अब ये जो है सो नए जज के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। और आपको पता होगा कि 45 में है जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। आपसे ये हर बार कितने कितने सीरियस, अभी वहाँ पे चुनाव होने वाला है कुछ दिन में, तो हो सके तो 46 में भी बन जाए। ट्विप्लोमेसी 2018, सॉरी ये बहुत ही अजीब सा नाम है, ट्विप्लोमेसी 2018 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली पहली महिला नेता कौन है? ठीक है, महिला नेता सुषमा स्वराज है, एंजेला मार्कर, थेरेसा, लेकिन पहले सुषमा स्वराज का नंबर आता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पुरुषों में कौन है? तो पुरुषों में सबसे ज़्यादा फॉलोअर है तीन नेताओं के, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप है, सेकेंड में जापान के हैं, एक उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और थर्ड में जो है सो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के 5 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं और जैसे जैसे कमाते जाइए वैसे इनके जो है सो 1 करोड़ कुछ फॉलोअर हैं। भारतीय नौसेना कौन सा युद्धपोत इंडोनेशिया में सांबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाले भारत की तरफ से पहला युद्धपोत बन गया है? तो INS सुमित्रा है, यानी सो पहला भारत की तरफ से युद्धपोत। वैसे तो ये अमेरिका जो है सो हर साल कराता है, लेकिन इस बार भारत जो है सो पहला युद्धपोत। अभी आपको पता होगा कि कल रात में ही हमारा चंद्रयान मिशन 2 यानी कि GSLV लॉन्च हुआ है, GSLV सेटेलाइट वो लॉन्च हुआ है, जो 14,000 किलो मतलब कि बहुत ही भारी है वो। कौन सा हवाई अड्डा जल्द ही बिजली की लागत में कटौती करने के लिए अपने दैनिक संचालन के लिए सौर ऊर्जा पर स्विच कर देगा? तो दोस्तों ये है वडोदरा हवाई अड्डा, जो वडोदरा में ही है, वडोदरा हवाई अड्डा। अच्छा दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन आएगा, वीर सावरकर हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो दोस्तों ये पोर्ट ब्लेयर में। किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों के लिए एक्स ग्राटिया बढ़ाया है? जो है सो एक्स ग्राटिया शब्द जो है सो ये बढ़ाया हुआ है, तो ये हरियाणा में, जैसे कि पुलिस कर्मी के जो रिश्तेदार हैं उनके खोने के बाद उन्हें मतलब कि मिलता था दरमहा, बट उतना नहीं मिल पाता था, जिसके लिए सरकार ने पुलिस कर्मियों के रिश्तेदारों के लिए एक पहल की है, उस जिसे हम एक्स ग्राटिया कहते हैं, तो वो हरियाणा की सरकार ने है।
किस राज्य सरकार ने 39 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है? इस परियोजना का नाम सीमा दर्शन होगा, तो वह गुजरात है। पहले जो है सो ये पंजाब पे बाघा बॉर्डर होता है, लोग देखने जाया करते थे, जिससे जो है सो पंजाब सरकार को बहुत ही आय आमदनी थी, इसलिए गुजरात सरकार ने भी ये शुरू किया है कि आप लोग मेरे बॉर्डर को देखने आए कि हमारा बॉर्डर किससे लगा है, किससे सटा हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस 2018 की थीम क्या है? तो पारिवारिक योजना, लोगों को सशक्त बनाना, राष्ट्र विकसित करना। क्या है इसका थीम? पारिवारिक योजना, लोगों को सशक्त बनाना, राष्ट्र विकसित करना। अच्छा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? तो 11 जुलाई। भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र का उद्घाटन किस शहर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हमारे भारत के उद्घाटन भारत के नई दिल्ली में हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य सरकार के साथ 1 वर्ष में 9,500 कॉलेज के छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह राजस्थान की सरकार है। कौन सी सरकार है दोस्तों? राजस्थान की सरकार है।